हेलो एंड जी वेलकम। आज हम लोग इस वीडियो में रोमानोव डायनेस्टी के अंत के बारे में जानेंगे। रशिया का रोमानोव डायनेस्टी किस तरह से उसका अंत होता है, किस तरह से क्वीन, किंग और उसकी फैमिली को एक साथ एक ही कमरे में फायरिंग करके मार दिया जाता है। और एक ऐसे आदमी की कहानी भी हम लोग जानेंगे जिसकी शाप इसकी वजह था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया के 300 साल से चले आ रहे रोमानोव डायनेस्टी का अंत हो गया। 16 और 17 जुलाई 1918 की रात को जार निकोलस द सेकेंड, उसकी क्वीन जरीना अलेक्जेंड्रा, उनके इकलौते बेटे एलेक्सिस और उनकी चार बेटियां यानी कि वोल्गा, तारियाना, मैरी और अनास्तीसिया को एक साथ एक ही कमरे में फायरिंग करके मार दिया गया था। इस मौके पर हम आपको ये भी बता रहे हैं कि एक ऐसे आदमी के बारे में पढ़ेंगे जिसकी श्राप इसकी वजह माना जाता था। वो खुद ही कहता था कि जब तक मैं हूँ तब तक रोमानोव राजवंश है, मेरे जाने के बाद रोमानोव राजवंश भी खत्म हो जाएगा। उसका नाम था रास्पुटिन। वो जो भी कहता था सच हो जाता था। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि लोग सहम जाते थे और डर जाते थे। बीमार और डरे हुए लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता था। ऐसा माना जाता था कि रास्पुटिन के पास कुछ दैविक शक्तियाँ आ चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और घमंडी हो चुका था। रास्पुटिन रूस का एक ऐसा सस्पिशियस आदमी था, एक ऐसा रहस्यमय आदमी था, जिसे गोली भी नहीं मार पाई, साइनाइड का जहर भी नहीं मार पाया। एक ऐसा आदमी था जिसके पास हिप्नोटिज्म की ताकत थी, सम्मोहन की ऐसी शक्ति थी कि वो जार निकोलस द सेकेंड और उसकी वाइफ जरीना अलेक्जेंड्रा को उंगलियों पर नचाता था। जार और जरीना उसकी बातों को नाकार नहीं पाते थे। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला आदमी राजमहल का एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन गया। उसके इशारों पर किसी को भी अपॉइंट किया जाता था और किसी को भी रिमूव कर दिया जाता था। करीब 120 साल पहले रशिया के राजा जार निकोलस द सेकेंड और उसकी वाइफ क्वीन अलेक्जेंड्रा पर रास्पुटिन की जादू की कहानियां आज भी रशिया में बोली जाती हैं। जार निकोलस की फैमिली में उसके क्वीन अलेक्जेंड्रा, उसका इकलौता बेटा एलेक्सिस और चार बेटियां थीं। चारों बेटियों का नाम वोल्गा, तारियाना, मैरी और अनास्तीसिया था। इसमें से एलेक्सिस उनका इकलौता बेटा था और सिंहासन का वही उत्तराधिकारी था। लेकिन एलेक्सिस को लेकर किंग और क्वीन हमेशा ही वरीड रहते थे, हमेशा ही चिंतित रहते थे। वजह, एलेक्सिस को हीमोफीलिया की बीमारी थी। हीमोफीलिया की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून का कत्था नहीं जमता और जान जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। एक बार कहीं भी कट लग जाए तो खून रुकता नहीं है, खून बहता रहता है। ऐसे में उसकी तबीयत हमेशा ही खराब रहती थी। अब इसी मौके का फायदा उठाकर, एलेक्सिस की बीमारी का फायदा उठाकर रास्पुटिन रोमानोव डायनेस्टी यानी किंग और क्वीन की लाइफ में एंटर करता है। 1906 में कि रास्पुटिन की ख्याति जार निकोलस द सेकेंड की दरबार तक पहुंचती है और यहीं से उसका मायाजाल शुरू होता है। रास्पुटिन जब दरबार में पहुंचा तब क्वीन अलेक्जेंड्रा लंबे वक्त से अपने बेटे के लिए एक डॉक्टर की खोज कर रही थी। क्वीन अलेक्जेंड्रा हमेशा अपने बेटे को लेकर चिंतित रहती थी क्योंकि वही बीमारी, हीमोफीलिया की बीमारी। हीमोफीलिया की बीमारी, जैसा कि आपने अभी अभी हमने अभी अभी बोला कि हीमोफीलिया में खून इतना पतला हो जाता है कि कहीं भी चोट लगने से जमता नहीं है और कहीं भी एक भी जगह कट लग जाए तो जान जाने का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। इस बीमारी का उस टाइम में कोई इलाज नहीं था। 1908 में राजकुमार बीमार पड़ा, कोई दवा दुआ काम नहीं आई, कोई भी डॉक्टर काम नहीं आया। ऐसे में रास्पुटिन को बुलाया गया। रास्पुटिन उस टाइम में ऐसा दावा करता था कि वो हर एक बीमारी को ठीक कर देगा। साथ ही साथ वो ऐसा दावा करता था कि वो फ्यूचर देख सकता है, भविष्य बता सकता है, किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। उसने ऐसे में क्वीन अलेक्जेंड्रा को भरोसा दिया कि वो राजकुमार को कुछ भी नहीं होने देगा और उसे ठीक कर देगा। और ऐसा हुआ भी। कुछ ही दिन में राजकुमार ठीक हो गया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो कैसे ठीक किया। जो भी हो, राजकुमार एलेक्सिस बिल्कुल ठीक हो गया था और क्वीन और किंग दोनों ही धीरे धीरे रास्पुटिन पर डिपेंडेंट होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर देते, बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे।
ऐसा माना जाता था कि रास्पुटिन के पास कुछ डिवाइन पावर्स हैं, कुछ जादुई शक्तियां हैं, और उसने किंग और क्वीन को अपने बस में करके रखा है। जो रास्पुटिन कहता था, क्वीन और किंग वही करते थे। पूरे राज परिवार में ये इस तरह की खबर फैलने लगी कि जो राज सत्ता है वो रास्पुटिन के हाथ में है। किंग और क्वीन रास्पुटिन की हर बात सुनते थे और रास्पुटिन उन्हें एक तरह से अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। उस समय का पार्लियामेंट था ड्यूमा, तो ड्यूमा के मिनिस्टर्स में, ड्यूमा के मंत्रियों में ये बात खटकने लगी थी कि एक मामूली सा इंसान, एक जिसका जन्म एक किसान के परिवार में हुआ था, वो राजा रानी का सबसे बड़ा सलाहकार हो गया और हम पीछे रह गए। ये बात बर्दाश्त से बाहर था। वो उस मौके की ताक में जुट गए कि किसी भी तरह से रास्पुटिन को हटाया जाना चाहिए, किसी भी तरह से रास्पुटिन को हटा देना चाहिए। जार और जरीना के सामने रास्पुटिन तो एक आम इंसान की तरह पेश आता था, लेकिन वो बहुत चालाक था, बहुत ही भ्रष्ट था। ऐसे में जो ड्यूमा के मेंबर्स थे, जो ड्यूमा के मिनिस्टर्स थे, वो गुस्सा होने लगे। वो एक तरह से किसी भी तरह से रास्पुटिन को हटाना चाहते थे। उस तरफ अगर हम सोसाइटी की बात करें, रशिया के समाज के बारे में बात करें, तो वहाँ पर सोशलिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था और बहुत सारे लोग सोशलिज्म को लाना चाहते थे, रोमानोव डायनेस्टी को हटाना चाहते थे रशिया से और किसी भी तरह से सोशलिज्म लाना चाहते थे। सोशलिज्म एक ऐसा इक्वालिटी के बारे में बात करता है कि सोशलिज्म में हमेशा इक्वालिटी होनी चाहिए। इसकी शुरुआत व्लादिमीर लेनिन ने की थी। लेनिन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को चला रहे थे और वो राजशाही के बिल्कुल खिलाफ थे। व्लादिमीर लेनिन चाहते थे किसी भी तरह से रोमानोव डायनेस्टी यानी कि राजशाही खत्म हो जाए और सोशलिज्म आ जाए जहाँ पर सबको समान अधिकार हो। 19वीं शताब्दी में रूस के ग्रामीण इलाकों में भी सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी विचारधारा बहुत ज़्यादा फैलने लगी थी। इसी बीच 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसमें सबसे पहले तो राष्ट्रपति ने मोर्चा संभाला, लेकिन रूस के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। अराउंड 60 लाख सोल्जर्स, 60 लाख सिपाही रूस के मारे गए थे। ऐसे में रास्पुटिन को यह सपना आया कि सेनापति को छोड़कर जार निकोलस को खुद बैटलफील्ड पर जाना चाहिए। इसी वजह से 1915 में रास्पुटिन की बात मानकर जो किंग था, जार निकोलस, वो खुद बैटलफील्ड पर चला गया और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राजकाज का जिम्मा जरीना के हाथों में आ गया। अब जरीना रास्पुटिन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थी। रास्पुटिन जो बोलता था जरीना करती थी। ऐसे में रास्पुटिन खुद एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लिया। वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता था, रिमूव करता था। इसी वजह से कितने सारे ऐसे मंत्री थे जो रास्पुटिन के बिल्कुल खिलाफ हो गए और इन लोगों ने साजिश रची कि हम रास्पुटिन को किसी भी तरह से मार देंगे, हटा देंगे। ऐसे में रास्पुटिन को मारना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था रशिया में, और इसके लिए पूरा कॉन्स्पिरेसी, पूरा षड्यंत्र राजकुमार फेलिक्स यूसुपोव ने रचा। फेलिक्स यूसुपोव ने रास्पुटिन को एक पार्टी में बुलाया और वहीं रास्पुटिन को एक केक में साइनाइड मिलाकर दे दिया गया। लेकिन खून करने वाले लोग भी हैरान थे, क्योंकि साइनाइड की जहर का रास्पुटिन पर कोई असर ही नहीं पड़ा, वो मरा नहीं। तो इसी में यूसुपोव ने गुस्से में पिस्तौल निकाल दी और उस पर 3 गोलियां फायर कर दी। खून से लथपथ होकर रास्पुटिन गिर पड़ा, लेकिन पता नहीं कैसे फिर से खड़ा हो गया और उसने राजकुमार को पकड़ लिया। यूसुपोव ने और भी 2 गोलियां मारी, कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद इसको बुरी तरह से, रास्पुटिन को बुरी तरह से पीटा गया। उसके बाद कपड़े में लपेट करके नेवा नदी में, अगर हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो ये नेवा नदी के किनारे आता है, इसे नेवा नदी में फेंक दिया गया। उसके बाद 30 दिसंबर 1916 को सेंट पीटर्सबर्ग के नेवा नदी के एक बर्फीले पानी में रास्पुटिन की लाश को निकाली गई, पोस्टमार्टम की गई। पोस्टमार्टम में ये पता चला कि वो गोलियों और जहर से नहीं मरा था, बल्कि डूबने की वजह से रास्पुटिन मर गया था। इसके पहले भी रास्पुटिन पर बहुत ज़्यादा हमले हो चुके थे, लेकिन वो हर बार बच जाता था।
जहर का तो उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता था, गोलियों का कोई असर ही नहीं होता था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, निकोलस और उसकी फैमिली को 16 और 17 जुलाई 1918 को पूरे परिवार के साथ एक महल में घुस करके मार दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रिवोल्यूशनरीज ने, जो कि राजतंत्र नहीं चाहते थे रशिया में, उन्हीं लोगों ने ही इसकी हत्या की थी। इसमें सबसे पहला नाम आता है व्लादिमीर लेनिन का। ऐसा कहा जाता है कि व्लादिमीर लेनिन के इशारे पर ही जार निकोलस और उसकी फैमिली को मार दिया गया था, क्योंकि लेनिन ये नहीं चाहते थे कि रोमानोव डायनेस्टी का कोई भी आदमी जिंदा रहे, क्योंकि अगर रोमानोव डायनेस्टी का कोई भी आदमी अगर जिंदा रहता तो रशिया में सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स नहीं आ सकता था, सोशलिज्म नहीं आ पाता। आप खुद क्या सोचते हैं? यू कैन टेल इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।